नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के थीम ऑप्शन और पेज सेटअप ऑप्शन के बारे में। अक्सर लोग प्रिंट निकालने से पहले बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप हमारी ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी प्रिंट निकालने में आप कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए एक एक करके हम सभी ऑप्शन का यूज समझते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन है थीम का। थीम ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की थीम हमारे सामने ऑप्शन रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इनमें से कोई भी थीम आप अपनी टेबल के ऊपर यूज कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कलर को चेंज करना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने कलर दिए हुए हैं, उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने एक फॉन्ट का ऑप्शन है जिसमें आप फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इफेक्ट्स के ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट शेप के ऊपर या फिर टेबल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जिसका हम यूज़ अपने डेटा को थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखाने के लिए करते हैं। अब हमारा जो मेन ऑप्शन है वो है पेज सेटअप का, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स का किस तरीके से हम प्रिंट निकाल सकते हैं और उसकी पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन। हमारे सामने एक ऑप्शन है मार्जिन का, जिसमें आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन शो हो रहे हैं। इसमें से आप कोई भी मार्जिन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहला वाला मार्जिन सेलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे हमारे सामने डॉट डॉट करके एक लाइन हमारे सामने शो हो जाएगी। अब ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू यहां पर देखते हैं तो या तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर दीजिए, आपका प्रिंट प्रीव्यू यहां पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे हमारा टोटल मार्क्स यहां पर शो हो रहा है, लेकिन ये हमारा जो डेटा है वो रिजल्ट तक का है। जैसे हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं यहां पर तो आप देखेंगे हमारा जो टोटल मार्क्स है सिर्फ उतना ही हमारे सामने डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्ट का डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा मार्जिन यहाँ से इतना ही है। अगर हम इसकी स्केलिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है स्केलिंग का। इस स्केल को जैसे हम यहाँ पर कम करेंगे आप देखेंगे ये हमारी जो डॉट थी वो राइट साइड में इंक्रीज हो रही है, और अगर डिक्रीज करेंगे तो ये और भी हमारी कम होती चली जाएगी। तो इससे होगा क्या, हमारे जो डेटा है उसका साइज कंप्रेस हो जाएगा, उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा डेटा उस पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। कंट्रोल प्रेस F2 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर मैनेज हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी शेप भी आ रही है हाफ, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो इतना है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन भी आप यूज कर सकते हैं, वाइड मार्जिन यूज कर सकते हैं और नैरो मार्जिन यूज कर सकते हैं। नैरो मार्जिन सबसे कम मार्जिन होता है, जो बहुत सारा स्पेस आपको देता है डेटा को रिप्रेजेंट कराने के लिए, डेटा को प्रिंट कराने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके सामने मार्जिन्स हैं जिसका यूज करके आप अपने डेटा का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशंस की। तो ओरिएंटेशन बेसिकली होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के, एक लैंडस्केप होता है, दूसरा पोर्ट्रेट होता है। तो पोर्ट्रेट जो होता है वो लंबाई में हमारा प्रिंट देता है और लैंडस्केप जो होता है वो चौड़ाई में हमारा प्रिंट देता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा डेटा था वो पोर्ट्रेट था, जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो लैंडस्केप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज हो गया और ये नीचे से हमारा साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका अगर हम प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो लैंडस्केप में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप इसे पोर्ट्रेट में चाहेंगे तो आप इसे पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। ये भी एक सिंपल ही ऑप्शन था लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का। अगर आपको अपना डेटा लंबाई में निकालना है तो लंबाई के लिए आप पोर्ट्रेट को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको उसको चौड़ाई में निकालना है तो आप इसको लैंडस्केप का यूज़ करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है हमारा पेपर साइज़। आपको पेपर साइज़ का खासकर ध्यान रखना होता है कि आप कौन से पेपर पर प्रिंट लेना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए A3 पेपर है, A4 पेपर है, लीगल पेपर है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके साइजेस आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इनमें से कोई भी साइज़ आप यहाँ पर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है वो A4 पेपर ही होता है, तो हम यहाँ पर A4 पेपर को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया। यानी अभी अगर हम प्रिंट निकाल रहे हैं तो हमारे सभी एरिया का प्रिंट आ रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ एरिया को सेट करना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ डिफरेंट एरिया का ही प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो सिर्फ उसी का ही प्रिंट आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सिलेक्ट किया इतना डेटा, और इतना डेटा सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ सिर्फ संदीप तक ही हमारा डेटा रिप्रेजेंट होना चाहिए, यानी इतना ही मुझे डेटा का प्रिंट लेना है। तो उतने डेटा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इस एरिया को सेट कर सकते हैं। जैसे हमने सेट प्रिंट एरिया किया तो इतना एरिया हमारा सेट हो चुका है। अगर हम कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे हमारा उतना ही डेटा रिप्रेजेंट होगा जितना हमने यहाँ पर सेट किया था। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे आप क्लियर करेंगे तो वापस से जो हमने सेटिंग की थी, जो हमने पेज को सेटअप किया था कि हमें उतना ही प्रिंट चाहिए, वो क्लियर हो जाएगा।
और उसके बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे क्लियर कर सकते हैं, प्रिंट एरिया को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है ब्रेक्स का, यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी डेटा को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी हाफ डेटा आप चाहते हैं किसी और पेज पर आ जाए और हाफ डेटा आप किसी और पेज पर लेना चाहते हैं, 10 नंबर का जो डेटा हो वो 10 नंबर का डेटा हमारा अलग पेज पर आए और 10 के बाद 11 से जो डेटा हो वो अलग पेज पर हमारा डेटा शो करे, तो इस तरीके से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट पेज ब्रेक का। इस इंसर्ट पेज ब्रेक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने एक लाइन बनकर आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है। अब आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा 10 तक डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है फर्स्ट पेज पे, और अगर यहाँ पर हम सेकंड पेज का यूज़ करते हैं जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हमारा नेक्स्ट डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है 11 से। अगर आप डिफरेंट पेजेस के अंदर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव पेज ब्रेक। जो हमने पेज ब्रेक लगाया था अगर हम उसे रिमूव करना चाहते हैं तो उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से वापस से जाना होगा पेज ब्रेक के अंदर और यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा रिमूव पेज ब्रेक। जैसे आप रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो आपका वो डेटा जो भी था वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक के अलावा कई जगह पर पेज ब्रेक का यूज़ किया है और अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो उन सभी को ये क्लियर कर देगा। तो इस तरीके से आप तीन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे सामने बैकग्राउंड का, तो बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड में अगर आप पिक्चर लगाना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने तीन ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहला फ्रॉम अ फाइल, यानी आपकी सिस्टम में अगर कोई डेटा है तो यहाँ से आप उसे ब्राउजिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप बिंग सर्वर से कोई डेटा उठा सकते हैं और यहाँ से वन ड्राइव से आप कोई डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अपने कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी एक फोटो सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो भी डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है, यानी हमारी जो बैकग्राउंड में पिक्चर थी वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुकी है। अगर आप इस इमेज को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो वापस से आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर शो हो गया डिलीट बैकग्राउंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड था वो वापस से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट टाइटल्स का। तो प्रिंट टाइटल्स बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है MS Excel का, जिसका यूज़ प्रिंटिंग के हर एक कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है, जिसमें आप सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगर आप अपने प्रिंट को लैंडस्केप में लंबाई में लेना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट का यूज़ करेंगे, और अगर आप उसे चौड़ाई में यूज़ करना चाहते हैं यानी चौड़ाई में उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से लैंडस्केप का यूज़ करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एडजस्ट टू, यहाँ पर आप देखेंगे हमने स्केलिंग का यूज़ किया था, यही स्केल हमारे सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से आप स्केल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन है फिट टू, यहाँ पर आप अपने डेटा को किस पेज पर सेट करना चाहते हैं उसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पेपर साइज़ है, कौन सा पेपर आपको यूज़ करना है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर DPI है, कलर आप DPI कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वो है मार्जिन का। मार्जिन के अंदर आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है वो डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन दिखाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इन दोनों ऑप्शन से अगर हम टिक कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो भी डेटा है वो सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से इक्वल स्पेस जनरेट करके यहाँ पर शो हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं सेंटर पॉइंट के अंदर। सेंटर में अगर आप अपना प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो सेंटर में आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर का। यहाँ पर आप चाहें तो हेडर के ऊपर कोई पेज नंबर यूज़ कर सकते हैं, पेज नंबर 1/ यूज़ कर सकते हैं, थीम यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल ले लेते हैं पेज नंबर, और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फुटर का। फुटर के अंदर हम क्या लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम फुटर के अंदर लेना चाहते हैं लोकेशन, यानी हमारी जो फाइल है वो किस जगह पर सेव है, हम उसकी लोकेशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमने लोकेशन को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। आप देखेंगे हमारा पेज नंबर यहाँ पर शो हो गया जो हमने पेज नंबर लिया था। इसके बाद अगर हम यहाँ पर फुटर की बात करें तो फुटर पर आप देखेंगे हमारी फाइल का लोकेशन यहाँ पर शो हो गया, हमारी फाइल किस लोकेशन में सेव है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शीट्स का। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जिसका यूज़ हर एक कंपनी अपने डेटा को प्रिंट लेने से पहले करती है। अब सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको बता दूँ सेट प्रिंट एरिया का है, जो कि मैंने आपको यहाँ से भी बताया, यही सेम ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप सिर्फ इतने ही एरिया का प्रिंट लेना चाहते हैं तो एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं।
जिसमें आप देखेंगे आपका डेटा सिर्फ उतना ही आएगा जितना आपने एरिया को सेट किया था। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट टाइटल्स के अंदर रो टू रिपीटेड एट टॉप। इसका बहुत ही बेहतरीन यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, इस प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखेंगे हमारी हेडिंग्स यहाँ पर शो हो रही है। जैसे हम पेज नंबर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे हमारा जो डेटा था उसकी हेडिंग यहाँ से गायब हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो बेसिकली एक साथ ही पूरा का पूरा प्रिंट होगा। और जब ये डेटा हमारा प्रिंट होगा तो उसके अंदर यहाँ पर हमारा पेज ब्रेक हो जाता है, यानी हमारा जो डेटा है वो काफ़ी लार्ज है और वो नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि सीरियल नंबर कौन सा है, नाम कौन सा है, हिंदी इंग्लिश मैथ के नंबर कौन से हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर हेडिंग को कॉपी करके यहाँ पर मार्जिन जहाँ पर भी खत्म हुआ है उसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। अब इस काम को हम बहुत ही इजी तरीके से इस ऑप्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, रो रिपीटेड पर आपको सिंपली क्लिक करना है और जिस रो को आप रिपीट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली प्रिंट प्रीव्यू करना है। प्रिंट प्रीव्यू करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इसके बाद जैसे हम पेज नंबर 2 पर क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 पर क्लिक करने के बाद वही रो हमारी यहाँ पर रिपीट हो चुकी है, यानी जितने भी पेजेस हमारे यहाँ पर रिपीट होंगे उन सभी के ऊपर ये ऑटोमेटिकली हेडिंग रिपीट होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने बड़े से बड़े डेटा को मैनेज कर सकते हैं, बड़े से बड़े डेटा की हेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। ये तो था हमारा रो का। इसके बाद अगर आप इसमें कॉलम को यूज़ करना चाहते हैं तो कॉलम वाइज भी आप इसी तरीके से उसकी रेंज लेकर के आप कॉलम वाइज भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइन का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप देखेंगे हमारे सामने एक डेटा है जो बहुत ही सिंपल है, जिसमें किसी भी तरीके की कोई भी ग्रिड लाइंस नहीं दी गई है। अगर हम इस पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देखेंगे इन सभी की ग्रिड लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। तो अगर आपके पास कोई डेटा जो ड्राफ्ट क्वालिटी के अंदर है, अगर आप उसे ग्रिड लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन हमारा ब्लैक एंड व्हाइट का है। इसके लिए हम कोई भी कलर थीम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में प्रिंट करना है, तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं। अब डेटा तो हमारा कलरफुल है लेकिन इसका प्रिंटआउट ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, तो मोस्टली इसका यूज़ कंपनी बहुत ही ज़्यादा करती है। हर कंपनी इसका यूज़ करती है। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही प्रिंट होते हैं। अब जो हमारा कलर डेटा है उसको किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया जा सकता है, उसके लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन का यूज़ करना है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे इसका, तो आप देखेंगे हमारा जो कलरफुल टेबल थी वो ब्लैक एंड व्हाइट टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आता है ड्राफ्ट क्वालिटी का। ड्राफ्ट क्वालिटी को सिलेक्ट करके जैसे आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे आपकी जितनी भी आउटलाइन कलर्स थे वो सारी की सारी यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। आप इसका ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहा है रो एंड कॉलम्स हेडिंग्स का। हम ड्राफ्ट क्वालिटी को यहाँ से हटा देते हैं और रो कॉलम हेडिंग्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हैं और उसके बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। अब आप देखेंगे हमारा जो भी डेटा था उसकी हेडिंग्स और कॉलम, यानी कि रो और कॉलम्स की जो हेडिंग्स होती हैं वो यहाँ पर शो हो चुकी हैं। आप देखेंगे ए बी सी डी और 1 2 3 4 में हमारा ये रो और कॉलम यहाँ पर शो अप हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप रो और कॉलम की हेडिंग की प्रिंटिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाद का जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है वो बचता है पेज ऑर्डर्स का। पेज ऑर्डर्स के अंदर आप देखेंगे हमारा जो भी ऑप्शन है वो किस तरीके से, पेज ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है उसका मतलब है डाउन देन ओवर एंड ओवर देन डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा प्रिंट आउट निकलेगा वो पेज नंबर को किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, डाउन की तरफ या राइट की तरफ। अब किस तरीके से मैनेज करना है उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसे पेज ब्रेक कर लेना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर में एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक का। इस वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो भी पेजेस थे वो यहाँ पर पेज नंबर शो हो चुके हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर 1 हमारे सामने शो हो रहा है, उसके बाद पेज नंबर 3 यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 5 हमारा यहाँ पर शो अप हो रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 4 और पेज नंबर 6 यहाँ पर शो अप हो रहा है, यानी पेज नंबर 1 यहाँ पर है, पेज नंबर 2 हमारा नीचे की तरफ है और उसके बाद पेज नंबर 3 हमारा यहाँ ऊपर है और उसके बाद पेज नंबर 4 हमारा नीचे है। तो ये हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो डाउन टू ओवर की तरफ आ रहा है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर ओवर देन डाउन करते हैं और इसको ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 1 हमारा यहाँ आ गया, पेज नंबर 2 हमारा यहाँ आ गया, पेज नंबर 3 हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं पेज नंबर 3 है, उसके बाद पेज नंबर 4 यहाँ पर आ गया, पेज नंबर 5 यहाँ पर आ गया और पेज नंबर 6 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करा सकते हैं डाउन टू ओवर या ओवर टू डाउन की तरफ। तो यही थे हमारे ऑप्शंस पेज सेटअप्स के। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।